जनाब, अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। योगी की पुलिस से आप किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना करें। जब यूपी में योगी के उच्च अधिकारी सेफ नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। नमस्कार, मैं हूं आरती यादव और आप देख रहे हैं News24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप भी सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के एडीएम पर एक शख्स ने बैट से हमला कर दिया। एडीएम मतलब जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी। अब उस पर एक शख्स ने, जसवीर सिंह नाम का एक शख्स था, उसने बैट से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद एडीएम साहब गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब हम आपको उस शख्स के बारे में बता देते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार जो जगवीर सिंह है वो हरियाणा के जिंद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जो जगवीर सिंह है वो पहले सेना में था, लेकिन उसके व्यवहार के कारण उसको बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद इस व्यक्ति ने एक मॉल में भी काम किया, लेकिन वहाँ पर भी उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहा, जिसके बाद उसको वहाँ से भी हटा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि जगवीर ने आखिर एडीएम पर हमला क्यों किया। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब योगी के, आप जो जानते हैं, जो एडीएम है वो किसी भी जिले का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन जब योगी सरकार में जब उनके अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, तो आपकी और हमारी गारंटी कौन लेगा। देखिए, आज शाम को 7 बजे एडीएम एलए साहब सेक्टर 14 में पार्क में नियमित रूप से इवनिंग वॉक पर गए हुए थे, और उस समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। एक जसवीर सिंह सना बलवान सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो क्रिकेट का बैट अपने हाथ में लिए हुए था, उसने अकारण उनके ऊपर हमला कर दिया और बैट से उनको हिट किया, जिसमें उनके सिर पर और चेहरे पर चोट आई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कभी नगर थाने में वो गिरफ्त में है। जो प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा है कि वो व्यक्ति 95 में सेना से बर्खास्त हुआ था और गौर माल में है, बाउंसर के रूप में काम कर रहा था, उसे भी वहाँ से आज बर्खास्त किया गया था। कुछ मानसिक असंतुलन का केस है और उसकी पूरी जांच और विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। उनको यहाँ पर खुदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है इमरजेंसी में। उनकी जो प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई है और जो सीटी स्कैन उनका हुआ है, उसमें डॉक्टर्स ने बताया है कि वो खतरे से बाहर हैं। उनको ऑब्जर्वेशन में आज ICU में रखा जाएगा। सर, हमला क्यों हुआ? क्या फिट ऑफ रेज था या कोई और वजह थी? मतलब प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि उसने जो है अचानक कुछ मानसिक रूप से असंतुलित है, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। बाकी SSP साहब ने कुछ इंट्रोगेशन और पुलिस के माध्यम से इनपुट लिया है। SSP साहब ने बताया, जो ये घटना है एक बार फिर से यूपी में सुरक्षा के सवालों को खड़ा कर देती है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।